नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्या नाथ झा और मेरे साथ पूर्णिमा मिश्रा है। अगले 15 मिनट में हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। भारतीय वायुसेना का 84वां स्थापना दिवस आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में होगा। खास कार्यक्रम वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरुप रहा रहेंगे मौजूद। एयरफोर्स की एरोबैटिक्स टीम वायुसेना प्रमुख को देगी एरियल सैल्यूट। पहली बार फ्लाई पास्ट में लड़ाकू विमान तेजस भी दिखाएगा हवाई करता। सुखोई और तेजस के अलावा मिराज, जगुआर और मिग लड़ाकू विमान भी आसमान में दिखाएंगे जौहर। C-17 ग्लोब मास्टर भी दिखाएगा ताकत। देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून को लेकर सरकार की बड़ी पहल। समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन ने पहली बार आम जनता से सुझाव मांगे। ट्रिपल तलाक का सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने किया विरोध। कहा पर्सनल लॉ से महिलाओं का संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते। आज से 5 दिन के लिए बैंक्स बंद रहेंगे। शनिवार रविवार के बाद दशहरे मुहर्रम की छुट्टी। 12 अक्टूबर तक बंद रहेंगे बैंक। गोवा में घर से मिला मशहूर परफ्यूम स्पेशलिस्ट मोनिका का शव। 39 साल की मोनिका के हाथ और पैर बंधे थे। पुलिस को रेप के बाद हत्या का शक। मुंबई में बीती रात फिर दिखा रफ्तार का कहर। ईस्टर्न फ्रीवे पर डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। हादसे में ड्राइवर घायल, बाकी लोग सुरक्षित। 16 अक्टूबर को गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में 3 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मंडी में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। मिट्टी तूफान से हैती में मरने वालों की तादाद 800 के पार। हैती का जेरेमी शहर पूरी तरह तबाह। हजारों लोग बेघर। दक्षिण राज्य सूद में 30,000 घर तहस नहस। अब अमेरिका में मैथी तूफान किया हट। फ्लोरिडा के तट पर पहुंचा। 4 राज्यों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी। 3,000 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द। जम्मू कश्मीर के सोपिया में पुलिस पिकेट पर आतंकी हमला। एक पुलिसकर्मी शहीद, एक नागरिक और पुलिस वाला घायल। सर्च ऑपरेशन। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन आज। बाड़मेर में सीमा सुरक्षा का जायजा लेंगे। कल जैसलमेर में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की थी हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की रखी मांग। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। जयललिता की बीमारी के चलते राज्य में खराब कानून व्यवस्था का दिया हवाला। सरहद का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेर लिया है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया। तरन तारण के दौरे पर कैप्टन ने सीमा के पास खड़े होकर ये वीडियो बनाया था। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम की पत्नी ने पीएम मोदी को लिखा खत। परिवार का सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उठाए सवालों के बाद परिवार को मिल रही धमकी। बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह का बीजेपी में कद बढ़ा। यूपी बीजेपी ने बनाया महिला मोर्चा के अध्यक्ष। मायावती पर विवादित टिप्पणी के बाद दयाशंकर पर गिरी थी का। राहुल गांधी के दलाली वाले बयान के खिलाफ यूपी बीजेपी का हल्ला बोल। आज सभी जिलों में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शहीद वीर सिंह के परिवार वालों का आरोप। 3 महीने बाद भी राज्य सरकार से नहीं मिली 20 लाख की मदद। राहुल गांधी के दलाली वाले बयान की निंदा की। पंपोर हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान। राजस्थान के सूरतगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन के पास संदिग्ध गिरफ्तार युवक के पास से 2 अलग अलग नाम के आधार कार्ड बरामद। संदिग्ध से पूछताछ जारी। गुजरात के पोरबंदर में नेवी बेस के पास फायरिंग की आवाज। पुलिस का दावा अभी तक जांच में फायरिंग की बात सामने नहीं आई। एहतियात के तौर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष की नेता शेरी रहमान ने मानी अलग थलग होने की बात। कहा दुनिया भर में पाकिस्तान पर लगा आतंकी देश होने का दाग। उत्तर प्रदेश के मऊ में कैमरे में रिकॉर्ड हत्या की तस्वीरें। ऑफिस में घुसकर बदमाश ने कारोबारी और उसके पड़ोसी पर फायरिंग की। वारदात में पड़ोसी की मौत। कारोबारी की हालत गंभीर। पंजाब के तरन तारण में एक परिवार ने दिखाई बहादुरी। दुकान पर आए 4 हथियारबंद बदमाशों को खदेड़ा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पुलिस ने की परिवार को बहादुर सलमान से नमाजने की सिफारिश। 86 साल के चमनलाल लुटेरों से लड़े। बहू और बेटे ने बदमाशों को की रिवॉल्वर भी छीनी। एक बदमाश पकड़ा गया, बाकी फरार। दिल्ली से अमृतसर के बीच एक्सप्रेसवे बनने की अड़चने दूर। एक्सप्रेसवे बनने से 100 किलोमीटर की दूरी होगी कम। 3 से 4 घंटे में पूरा होगा। दिल्ली में हवा की खराब हालत पर एनजीटी सख्त। दिल्ली से सटे 4 राज्यों को जल्द ही सीएनजी सिस्टम लागू करने के लिए कहा। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच नया टकराव। भर्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को एलजी नजीब जंग ने किया भंग। भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश। फिर से बोर्ड को गठित करने का आदेश।
अरविंद केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को भंग किए जाने का विरोध किया। ट्वीट में लिखा, हम अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए रुकावटें पैदा की जा रही हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र सिंह गोला को 2 साल की जेल, स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। असैनिक संपत्ति के मामले में हुई सजा। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का आरोप, दिल्ली सरकार और एमसीडी ने की स्वच्छता अभियान की अनदेखी। मुंबई के डिब्बा वालों ने भी किया चीन के सामान का विरोध, लोगों से चीन का सामान न खरीदने की अपील। मुंबई में बीएमसी इंजीनियर्स की हड़ताल खत्म, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद इंजीनियर्स ने आंदोलन वापस किया। 2 दिन पहले एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इंजीनियर्स से बदसलूकी की थी। ठाणे महानगर पालिका में सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाले जाने के दौरान एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, लॉटरी निकाले जाने से पहले खबर सोशल मीडिया पर आने से कार्यकर्ता नाराज। ओशो रजनीश के एक ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों की ईडी ने शुरू की जांच, ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दी जांच की जानकारी। ट्रस्टीज पर ट्रस्ट का पैसा दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करने का आरोप। घर में शराबबंदी कानून पर नीतीश सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को बताया था गैर कानूनी, 6 हफ्ते में मांगा जवाब। घाटे में चल रही नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल तय वक्त पर नहीं कर पाई ब्याज का भुगतान, 30 सितंबर तक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पर भरना था इंटरेस्ट, कंपनी की सफाई, वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से हुई देरी, जल्द करेंगे भुगतान। झारखंड के उधम सिंह नगर में पूर्व दर्जा मंत्री रहे अरुण शुक्ला गिरफ्तार, हाईवे बनाने वाले मजदूरों को बंधक बनाने और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मेरठ की सरधना सीट से एसपी उम्मीदवार पिंटू राणा की गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, बाल बाल बचे एसपी उम्मीदवार। कांग्रेस ने शुरू की राहुल की संदेश यात्रा, गुलाम नबी आजाद और राजभवन ने दिखाई हरी झंडी, कार्यकर्ता घर घर में देंगे किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ का संदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, 5 नवंबर से 4 परिवर्तन यात्रा निकाली जाएंगी, सहारनपुर, ललितपुर, बलिया और सोनभद्र से शुरू होगी यात्रा, 31 दिसंबर तक चलेगा चुनावी अभियान। कन्नाडा के बिसाड़ा में गांव वालों और प्रशासन के बीच बनी सहमति, 1 लाख हत्याकांड के आरोपी रवि के परिवार को मिलेगी 25 लाख की राशि, पत्नी को भी यह नौकरी का भरोसा, सरकार से भी जांच कराने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया पर हाई कोर्ट ने लगाई अखिलेश सरकार को फटकार, सरकार ने मौत के आंकड़े बताने के लिए हाई कोर्ट से वक्त मांगा। लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, डीजीपी जावेद अहमद ने कहा सुरक्षा की पूरी तैयारी, पीएम के कार्यक्रम को बताया चुनौती। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव पर घर में शिफ्ट हुए हैं नए, मुलायम सिंह समेत पूरा परिवार था मौजूद, अखिलेश का पता अब हुआ 4 विक्रमादित्य मार्ग। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने ललितपुर में आयोजित किया कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, सैकड़ों मुस्लिम समेत हजारों युवकों ने पार्टी की सदस्यता भी ली। पिठारी के नंदा देवी हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को सुनाई मौत की सजा, कई बच्चियों की हत्या और रेप के मामले में कोर्ट ने पाया दोषी। मुरादाबाद में बहन की इज्जत बचाने के लिए बदमाश से भिड़ा 10 साल का बच्चा, बदमाश ने पीट पीट कर बच्चे को किया बेहोश, मौके से फरार हुआ आरोपी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बदमाशों ने 2 लड़कों को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के कुशीनगर में होटल में छापा मारकर जुए के अड्डे का भंडाफोड़, होटल मालिक सहित 2 लोग गिरफ्तार, 3 जुआरी भागने में कामयाब। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शुक्रवार को स्कूल में मनाया गया वर्ल्ड स्माइल डे, बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को खुश रहने का संदेश दिया। में लिंग परीक्षण के आरोप में ब्लॉक सीएमएचओ समेत 2 गिरफ्तार, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने की छापा। मुंबई के नरीमन पॉइंट में एमएलए हॉस्टल में महिला से यौन शोषण पीड़ित का आरोप, हॉस्टल में रहने वाले व्यक्ति ने शादी का छासा देकर किया शोषण। मध्य प्रदेश के धमतरी में डॉक्टर पर प्रदेश स्कूली छात्रों से छेड़छाड़ का आरोप, मेडिकल चेकअप के बहाने लड़कियों से छिड़खानी का आरोप, लड़कियों की शिकायत पर हिरासत में डॉक्टर। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फ्रेंच डिपार्टमेंट के टीचर पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। 12 में 2 लड़कियां गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर कई लड़कों को ठगने का आरोप। बिहार के कैमूर में महिलाओं से यौन शोषण के आरोप में तांत्रिक गिरफ्तार, 1 महिला की शिकायत पर कार्रवाई, तांत्रिक के पास से 5 नरमुंड भी बरामद। कावेरी जल विवाद को लेकर बेंगलुरु में हुई तकनीकी टीम की अहम बैठक, पानी बंटवारे को लेकर तकनीकी टीम सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट, दोनों राज्यों को मिले हक का पानी। फरीदाबाद में भयंकर सड़क हादसा, स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन से टकराई तेज रफ्तार कार, 1 बच्चे की मौत घायल। मोतिहारी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का खासा अभियान, किसी भी तरह की साजिश को नाकाम करने के लिए जगह जगह तलाशी, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पटना में मेडिकल काउंसलिंग के दौरान छात्रों का हंगामा, काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाया। बिहार के गया में डीएसपी पर होमगार्ड के जवान से गाली गलौज करने और मारपीट का आरोप, तेल मालिश से इनकार करने पर क्रिकेट बैट से पीटा, नाराज होमगार्ड ने जवानों ने पुलिस लाइन में किया।
पंजाब के फजलका में अनाज खरीद की सही व्यवस्था न होने पर किसान नाराज, हाईवे पर अनाज रखकर जाम लगा। अधिकारियों के समझाने के बाद भी किसानों का धरना जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश ने किया फीका, दुर्गा पूजा का आयोजन, पंडालों में पानी भरने से भक्त परेशान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बहू से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने ससुर की जान ले ली, पीट पीट कर मार डाला, सात आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, एक परिवार से 15 लाख रुपए लेकर दो ठग फरार। सोनीपत में प्रेमी जोड़े का शव फंदे से लटका मिला, पुलिस को हत्या का शक, एक महीने से युवती लापता। रतलाम के नामली में महिला ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, ससुराल में हुआ था विवाद, पुलिस मामले की जांच में। जयपुर में देर रात नशे की हालत में पार्टी से आ रही लड़की से उबर टैक्सी चालक ने दुष्कर्म की कोशिश की, विरोध करने पर मारपीट की, पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के कोटा में लावारिस पड़े स्कूल बैग में मिला इंसान का कटा हुआ पैर, पुलिस को बेरहमी से हत्या का शक, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। सांप्रदायिक एकता की मिसाल बना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का मझौलिया गांव, एक ही मैदान में दुर्गा पूजा के साथ ही बनाया जाता है ताजिया। यूपी के बांदा में लगे नवरात्र पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति के साथ पीएम मोदी की भी प्रतिमा, मूर्ति में पीएम को कुर्ता पजामा और जैकेट के साथ पगड़ी भी पहनाई गई। अजमेर में नवरात्रि के मौके पर एक एनजीओ ने आयोजित की विशेष पूजा, मनोविकार से पीड़ित कन्याओं की पूजा का रखा कार्यक्रम। गोरखपुर में कुछ छात्रों ने तैयार की मां दुर्गा की रिसाइकिल हो सकने वाली मूर्ति, पीएम मोदी के स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के मिशन से लिंक। भारत में आईफोन 7 और 7 प्लस लॉन्च, एप्पल स्टोर्स और वेबसाइट के जरिए कल शाम 7 बजे से बिक्री हुई शुरू, भारत में 32 GB वाले आईफोन 7 की कीमत 60,000। दिवाली से पहले घट गए सोने चांदी के दाम, हफ्ते भर में MCX पर सोने का भाव करीब 1500 रुपए गिरा, चांदी में करीब 4000 रुपए की गिरावट। अब ट्रेन में मिल सकता है मोबाइल और लैपटॉप का इंश्योरेंस, IRCTC जल्द शुरू कर सकती है इंश्योरेंस स्कीम। महाराष्ट्र औरंगाबाद में मनचलों से निपटने के लिए छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, 400 से ज्यादा लड़कियों ने किया अभ्यास। अमेरिका और रूस के बीच फिर से बड़ी तनातनी, अमेरिका का आरोप राष्ट्रपति चुनाव में हैकिंग के जरिए छेड़छाड़ कर रहा है रूस। शिकागो में बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिया अर्ली वोट, पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों के साथ किया हंसी मजाक। इटली में दो समलैंगिक नन की शादी से पोप फ्रांसिस दुखी, सितंबर में दो नन्ने की इच्छा। इस साल कोलंबिया के राष्ट्रपति को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, 50 सालों से चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के लिए मिला सम्मान। बलूचिस्तान में ट्रेन में दो बम धमाके, 4 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका में रिचमंड में सिख युवक मान सिंह खालसा पर जानलेवा हमला, हमले के खिलाफ मानवाधिकार संगठनों का विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के टेक्सास में कार को पीछे करने का हैरतअंगेज वीडियो सामने आया, कार चुरा कर भाग रहे चोर का हेलीकॉप्टर से पीछा, कार के दीवार से टकराने के बाद गिरफ्त। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें न मानने वाली स्टेट एसोसिएशंस को नहीं मिलेगी फंडिंग, 13 एसोसिएशंस को पहले ही दिए जा चुके फंड के इस्तेमाल पर रोक के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से लोढ़ा कमेटी के बारे में, ICC से उनकी बातचीत को लेकर मांगा हलफनामा, 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई। लंदन में फिल्म मिर्ज़िया का हुआ ग्रैंड प्रीमियर, अनिल कपूर सोनम कपूर के साथ पूरे कपूर परिवार ने की शिरकत, कल रिलीज हुई है फिल्म। मुंबई में परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म मेरी प्यारी बिंदु की शूटिंग जारी, परिणीति ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ वीडियो शेयर किया।